परमाणु बम के बारे में हम सबने सुना है और इसके धमाके को भी देखा है, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। ये एक ऐसा बम है जो अगर ना भी फटे तो भी इसके नाम से ही फट जाती है। इससे पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फतेह। अरे वाह। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको परमाणु बम के बारे में इतने अच्छे से याद क्यों है, जबकि ये इतिहास में सिर्फ एक ही बार फटा है। लेकिन इतिहास में एक ही बार फटने से इसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई जिसका असर आज भी जापान की कई पीढ़ियां झेल रही हैं। और यही चक्कर है कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन इस बम को हासिल करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे देश इन बमों पर टेस्टिंग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि गौरव भाई ये सारी बातें तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद ये बात आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि ये एटम बम लाखों लोगों की जान भी बचा रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो रहा है बाबू भैया, और ये बताऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। तो देखो वैसे तो बहुत मुश्किल है कि कोई परमाणु बम का हमला कर दे किसी और देश पर। देखो वैसे तो ये मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि आपको परमाणु का हमला देखने या झेलने को मिले, क्योंकि परमाणु बम चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो कि वाकई में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर आपके देश पर परमाणु बम का हमला हो जाए, तो क्या आप ऐसे हमले को झेलने के लिए तैयार हो? क्या आपको मालूम है कि अगर आपके एरिया में परमाणु बम फटने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी जान बच जाए? तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है। आप जानते हैं कि आखिर परमाणु बम के हमले से खुद को कैसे बचाएं, हाउ टू सर्वाइव इन अ न्यूक्लियर अटैक वाले इस फाड़ू वीडियो में। जब कोई परमाणु बम फटता है तो उससे होती है भयंकर तबाही। ऐसी तबाही हिरोशिमा और नाकासाकी में सबने देखी है, साथ ही इंसानियत चेर्नोबिल जैसे हादसों की भी गवाह बनी है। ऐसे हमलों का असर उस जगह पर आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। कई साल तक लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती रहती है। और जब कोई परमाणु बम फटता है तो उससे होने वाली तबाही तीन स्टेजेस में होती है, जिसमें से की पहली स्टेज का नाम है इनिशियल ब्लास्ट, मतलब शुरुआती धमाका। देखो परमाणु बम अगर आपकी लोकेशन के 1.5 किलोमीटर के आसपास फटा है तो तुरंत ईश्वर को याद कर लें और अपने किए गए गुनाहों की उनसे माफी मांग लें, क्योंकि अब आपका आखिरी वक्त आ चुका है। हम तुम्हारे साथ हैं। चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही आप भाप बनकर हवा में गायब हो जाएंगे। ना आपको कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा, ना ही अपनी जान बचाने का। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत हैं और परमाणु बम का धमाका आपकी लोकेशन से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हुआ है, तब आपके बचने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। वो भी तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसकी सारी बातों को फॉलो करो। देखो ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं है जिसे 3-4 किलोमीटर दूर से फटते हुए आप देखोगे और धमाके के मजे लोगे। अगर बम आपसे 5 किलोमीटर की दूरी पर भी फटा है तो पहला धमाका सुनने पर आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है अपनी जान बचाकर भागने के लिए। इसमें आप किसी मोटी या किसी गहरी दीवार के पीछे छिप सकते हैं, किसी गड्ढे के अंदर छिप सकते हैं, या आसपास अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप जमीन पर लेटकर अपनी जान बचा सकते हो। अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर इस तरीके से रख के अपने कानों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अगला धमाका आपके पास होगा, वो भी बहुत ज्यादा तेज। ये कोई दूसरा धमाका नहीं है, ये वही पहला धमाका है जिसकी वेव्स अब आपके पास आ चुकी है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे कि एक और धमाका बिल्कुल आपके कान के पास हो रहा हो। इसलिए मैंने सजेशन दिया कि अपने कानों को बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक बहुत बड़े भूकंप के लिए, क्योंकि आप जिस जमीन पर लेटे हुए हैं या जिस दीवार के पीछे छिपे हुए हैं वो पूरी जगह हिलने वाली है, क्योंकि आने वाला है एक बहुत ही तेज भूकंप। और ये तो सिर्फ एक शुरुआती धमाका है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिलहाल तो आप शुरुआती धमाके से जिंदा बच गए हैं, मुबारक हो आपको। अब देखो जब परमाणु हमला हो चुका होगा तब तो इंटरनेट चलेगा नहीं, तो इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाओगे। जान बचाने के लिए अभी सही इसको पहले से लाइक करके छोड़ दो। तो शुरुआती धमाके से बच निकलने के बाद आपके पास 3 सेकंड और हैं एक ऐसी जगह पर छिप जाने के लिए जो कि अंडरग्राउंड हो, और ऐसे बहुत ही कम लकी लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी कोई जगह अवेलेबल होगी। खैर अगर आपके घर में कोई अंडरग्राउंड जगह नहीं है तो आगे मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर जाकर आप छिप सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको या आपकी आने वाली जनरेशन को परमाणु धमाके का सामना करना पड़ेगा? भाई मुझे तो लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि
भैया कुछ भी हो सकता है। खैर आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही पहला धमाका होगा सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी, कई हजारों लाखों लोग भाप बनकर मर चुके होंगे, आसपास की हर चीज गर्म तापमान की वजह से पिघल चुकी होगी, पूरी जगह हर जगह केवल मौत का सन्नाटा होगा। लेकिन केवल ये चीज यहीं पर नहीं रुकेगी, इस सारी तबाही का मलबा बारिश की तरह आसमान से बरसेगा, साथ ही साथ परमाणु विस्फोट की वजह से अल्फा पार्टिकल्स की बारिश शुरू हो जाएगी। और इस सेकंड स्टेज मतलब फॉल आउट से बचने के लिए आपको बिल्कुल भी आसमान की तरफ नहीं देखना है, आपको उस जगह पर छुपे रहना है जो कि अंडरग्राउंड है। और अगर आप इस सेकंड स्टेज से भी बच जाते हो तो अब आती है तीसरी स्टेज जिसका नाम है रेडिएशन वेव। आप फॉल आउट से बच निकले हैं और एक अंडरग्राउंड जगह पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सारे कपड़े उतार कर फेंक देना है, मतलब नंगे पुंगे हो जाना है। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि फॉल आउट के दौरान अंडरग्राउंड जगह तक पहुंचने के बीच अल्फा पार्टिकल्स आपके कपड़ों से चिपक चुके होंगे और ये आपके शरीर में रेडिएशन की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी जख्मी हो चुके हैं तो तुरंत अपने घाव का फर्स्ट एड किट से इलाज करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप सबसे पहले तो जाकर नहा लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भी रेडिएशन वाले पार्टिकल्स आपकी बॉडी से चिपक चुके हैं नहाने की वजह से वो बॉडी से हट जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि आप हैं जमीन के अंदर, लेकिन जमीन के ऊपर एक विनाशकारी तूफान चल रहा है जिसमें रेडियो एक्टिव वेव्स हैं जिनके संपर्क में आते ही आपकी भी मौत हो सकती है या आपको ऐसी घातक बीमारियां हो सकती हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक चलेंगी। तो आपको गलती से भी बाहर नहीं निकलना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? आपको करीब 20 से 25 दिन तक अंदर ही रहना है और हो सके तो अपने पास एक रेडियो जरूर रखिए क्योंकि ऐसे डिस्ट्रक्शन के दौरान में हर चीज बंद हो सकती है लेकिन रेडियो सिग्नल्स आपके पास हमेशा पहुंचेंगे और रेडियो के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपके पास मदद कब और कैसे पहुंच सकती है। तो जब तक आपके आसपास के एरियाज में विनाशकारी तूफान खत्म नहीं होता और मदद की टीम नहीं पहुंचती तब तक आपको अंदर ही छिपे रहना है और ये ड्यूरेशन कम से कम 20 से 25 दिन की हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि मदद वाली टीम के पहुंचने से पहले आपको गलती से भी बाहर नहीं निकलना है, भले ही बम गिरने बंद हो चुके हों, भले ही डिस्ट्रक्शन बंद हो चुका हो, लेकिन बाहर खतरनाक रेडिएशन है। अब आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी जगह है, हर किसी के घर में तो अंडरग्राउंड बंकर होता नहीं है तो आदमी जाकर छुपेगा कहां? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी परमाणु बम का हमला होने वाला होता है लोगों को पहले से ही पता चल जाता है, न्यूज में 10-12 दिन पहले से ही ये सब बातें चल रही होती हैं। एक्सपर्ट पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखते हैं कि अगर कोई जंग चल रही है तो वो किस दिन विनाशकारी रूप ले सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के एरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हां परमाणु अटैक हो सकता है और आपको उसके लिए तैयारी करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके घर में अंडरग्राउंड बंकर नहीं है तो आप कहां जा सकते हो? अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जा सकते हो। और अगर आपकी सिटी में मेट्रो स्टेशन है ही नहीं तो आप किसी बड़े से मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर छिप सकते हो। हालांकि वहां आपको खाने पीने का सामान तो नहीं मिलेगा लेकिन आपकी जान जरूर बच जाएगी। देखो अब मैं वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि छिपकर रहने के लिए आपको क्या क्या सामान अपने पास रखना चाहिए और ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में सर्वाइव करने वाली आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको जरूरी सामान की लिस्ट तो रट गई होगी, वही खाने पीने की चीजें, पानी, दवाई, फर्स्ट एड किट और मेडिसिन। हथियारों की इस बार आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई वेपन है तो अच्छी बात है, कोई आपसे आपकी बाकी चीजें छुड़ा नहीं पाएगा। अब बात करते हैं सबसे अजीब टॉपिक के बारे में कि परमाणु बम लोगों की जान लेता तो है, सबने सुना है, बचाता कैसे है? आजकल हर छोटा बड़ा देश अपने पास न्यूक्लियर पावर रखता है और कोई भी बड़ा देश किसी छोटे देश पर यूं ही आजकल हमला नहीं कर सकता क्योंकि देश भले ही छोटा हो लेकिन उसका किया गया परमाणु धमाका बड़े देश को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर किसी को परमाणु बम का इतना ज्यादा डर रहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करता ही नहीं है। यूक्रेन वाली जो कंडीशन चल रही है वो कभी कभार ही होती है और यही रीजन है कि आजकल परमाणु बम का खौफ इतना ज्यादा है कि छोटी छोटी लड़ाइयां और देशों के बीच में युद्ध होते ही नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे। इवन अगर आपको ध्यान हो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई बड़ा वॉर हुआ ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि हर देश के पास अपने अपने लेवल पर न्यूक्लियर पावर है और ऐसे ही न्यूक्लियर पावर के डर की वजह से लाखों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इंसान बड़ी कुत्ती चीज है, नेचर ने उसे जो भी चीजें दी ना उसने उन चीजों का इस्तेमाल नेचर का सत्यानाश करने के लिए ही किया। मतलब कितनी खूबसूरत और कितनी बेहतरीन चीज बनाई थी न्यूक्लियर, इससे आप एनर्जी बना सकते थे, बहुत सारे सोर्सेज बना सकते थे, लेकिन लोगों ने बनाया क्या? एक बॉम्ब। खैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इंसानों को जो करना था वो तो कर ही रहे हैं। आप लेकिन हमेशा न्यूज में अपडेटेड रहा करो ताकि आपको पता चल जाए कि भैया कहीं पर भी पंगा हुआ है तो आपको तैयारी करने का टाइम मिल जाए।
बोनस टिप ये है कि जब भी कोई पंगा हो तो किसी भी मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो तो वहां पर मत रुकना। मतलब किसी भी देश की बड़ी सिटी, फेमस सिटी, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, क्योंकि अगर कोई देश हमला करेगा तो वो चाहेगा कि ऐसी सिटीज में ही डिस्ट्रक्शन हो ताकि एक हमले से बड़ा नुकसान किया जा सके। साथ ही अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जो मेट्रो सिटी तो नहीं है लेकिन वहां पर कोई बहुत फेमस चीज है, जैसे अगर आप आगरा में रहते हो वहां पर ताजमहल है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहां पर कुतुब मीनार है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू वाला शहर, तो ऐसी जगह पर अगर आप रहते हो तो यहाँ पर भी हमले की संभावना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हमला हो सकता है तो आपको किसी ऐसे गांव में, किसी ऐसी सुनसान जगह पर जाना है जहां पर ना कुछ फेमस चीजें हो ना वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन हो, क्योंकि वहां पर अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसी जगह पर आपको मेट्रो स्टेशन या फिर मॉल की पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास समय होगा तो वहां पर आप ऑलरेडी एक गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड बंकर खुद के लिए पहले ही बना चुके होंगे। खैर, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। मैं तो यही दुआ करूंगा कि सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहे, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो तैयार तो जरूर रहे, और जब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तब तक भाई के वीडियो देखते रहे, उन्हें लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यार बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि देखने में मजा जरूर आया होगा, पूरी तैयारियां हो गई होंगी न्यूक्लियर अटैक की आज के वीडियो को देखने के बाद। यार मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में किसी नए जलजले, किसी नई तबाही के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।